हेलो एवरीवन, चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज अपनी बी जो है वो सॉल्व करना शुरू करते हैं। मैंने लिखा आपके लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फिफ्थ थ्री क्वेश्चन। मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है और इजी क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन जो है मैथमेटिक्स में बहुत ही सिंपल है। आपका जरूरी है बेसिक कॉन्सेप्ट जो क्लियर हो। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन इजीली बनेंगे, लेकिन अगर बेसिक अगर कमजोर होगा तो क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं बनेंगे। अब जैसे इन क्वेश्चन को वैसे टेंथ में था पूरा, अगर टेंथ में अगर अच्छे समझ आएंगे तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे बनेंगे। फिर भी अगर कोई टॉपिक में अगर मैं समझा रहा हूँ और अगर फिर भी अगर आपको कोई पॉइंट ऐसा हो जाता हो जो समझ नहीं पड़ता हो, कोई स्टेप आ जाए जो नहीं होती है, तो स्टेप को हाइड करके मार्किंग करके मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड कर दीजिएगा तो मैं पूरे को बता दूँगा। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट आप उसको करते हैं। क्वेश्चन है फर्स्ट, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और पूरे का जो होल स्क्वायर है वो इक्वल है किसके, बोल रहा है प्रूव करना अपने को, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस थीटा बोला क्या गया क्वेश्चन में, प्रूव दैट। ठीक है, ये प्रूव करना है कि साइन प्लस कोसेक थीटा का जो स्क्वायर होगा वो इक्वल है साइन स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस। ओके ठीक, तो आप एलसीएम ले सकते हैं या आरएचएस को इसी साइड लो। जैसे मैं यहां पे एलसीएम साइड लेके इसको प्रूव कर देता हूं। एलसीएम साइड है साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा और पूरे का होल स्क्वायर। ओके, अब देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो लिखते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है भैया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये होता है। तो यहाँ पर भी ए के प्लेस पर है साइन और बी के प्लेस पर है कोसेक, तो चलिए सॉल्व कर देते हैं। ए के प्लेस पर ए को रखो, ए के प्लेस पर ए को, बी के प्लेस पर बी, तो ए के प्लेस पर इस वाले जगह क्या आएगा, ए है आपका साइन रखा साइन थीटा बोला स्क्वायर करो, ये स्क्वायर कर दिया भैया। बी बी कौन है, कोसेक थीटा है इसका स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो ए है आपका साइन थीटा, बी है आपका कोसेक थीटा। ठीक, कोई जाती वाली बात है, साइन थीटा का स्क्वायर तो ये साइन स्क्वायर थीटा, कोसेक थीटा का स्क्वायर तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पर टू एज इट इज मल्टीप्लाई साइन थीटा एज इट इज मल्टीप्लाई। अब कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है, कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है कौन सा फॉर्मूला, देखो केंद्र में पड़ा है कोसेक थीटा इक्वल वन अपॉन साइन थीटा अपॉन सभी ने। ठीक, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर कोसेक थीटा प्लेस पर आ जाएगा वन अपॉन साइन थीटा, तो रखा मैंने वन अपॉन साइन थीटा। अब कुछ कैंसिल होना तो कैंसिल कर सकते हो, साइन से साइन कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस मल्टीप्लाई यानी टू, और ये प्रूव करना अपने को, तो ये आ गया आपका राइट हैंड साइड। ओके, इजी क्वेश्चन है, ठीक नोट कर लीजिए, अगला सेकंड करो तो इसके बाद फिर नोट करेंगे, वीडियो आप पोस्ट कर दीजिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन आपका सेकंड वो देखते हैं क्या होगा। मुझे क्वेश्चन है सेकंड, कोस फोर थीटा माइनस साइन फोर थीटा, तो चलिए कोस थीटा इसको लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा और पूरे का होल स्क्वायर, लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर थीटा और पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि टू टू जब वापस हो जाएगा कोस स्क्वायर का होल स्क्वायर है तो वापस फोर पावर देगी इसकी। ऐसे यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा है और इस पूरे का क्या बन जाएगा होल स्क्वायर, तो साइन की पावर फोर बन जाएगी आपके वापस। अब ये तो है ए का स्क्वायर और ये बी का स्क्वायर, तो लिखते हैं वी नो दैट, वी नो दैट क्या होता है आपका ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और ये बनता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये बनता है आपका। तो यहाँ पर अपना आइडेंटिटी ए का स्क्वायर यानी ए और बी का स्क्वायर सॉल्व कर सकते हैं, तो ए माइनस बी और ए के प्लेस पर बैठा कोस स्क्वायर, तो ये कोस स्क्वायर थीटा माइनस बी और बी के प्लेस पर कौन बैठा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, ऐसे आपका ए प्लस बी
ए के बेस पर है कोस स्क्वायर थीटा और बी के बेस पर है साइन स्क्वायर थीटा। ओके चलिए कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा ये तो बड़ा हमने क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमेशा होता है कितना वन, यानी इसके प्लेस पर तो आ जाएगा कितना वन। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या प्रूव करना अपने को टू साइन स्क्वायर थीटा, यानी पूरा क्वेश्चन में साइन चाहिए। तो अपन एक फॉर्मूला और पढ़ा कौन सा कि अगर मान लो इस साइन स्क्वायर को उधर लेके चला जाऊं मैं कैसे, मान लो यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा यहीं ले जाए ये वन, और अगर इसको उधर लेके चला जाऊं तो क्या हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी कोस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होगी क्या होगी वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर जो आपका कोस स्क्वायर थीटा है उसकी जगह आ जाएगा क्या वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये पहले से क्या आपका साइन स्क्वायर थीटा बचा हुआ है, तो वन माइनस वन साइन स्क्वायर थीटा वन साइन स्क्वायर थीटा टू साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा वन, जो वन का मूल्य हो गया ये आपको कौन सी साइड आ गई राइट हैंड। ठीक तो इसी से क्वेश्चन आता है आपके और सारा बेसिक जो है टेन का है, अगर टेन का चेंज पड़ा हुआ तो उसको ऐसे अगला थर्ड क्वेश्चन देखिए करते हैं नोट कर लीजिए वीडियो पॉज कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन है साइन क्यूब थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा और एक ये सारा प्रूव करना है, तो लिखते हैं एक्सरसाइज है ना और आगे से प्रूव करेंगे। यहाँ पर आइडेंटिटी है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, आइडेंटिटी कौन सी ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, तो आइडेंटिटी होती है वो लिखा हूँ मैं ए प्लस बी ब्रैकेट में ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक क्या हो जाएगी ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब की ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, अगर वो ए के बेस पर साइन थीटा और बी के बेस पर कोस थीटा रखना अपने को तो रखते इक्वल वाले तो ए प्लस बी क्योंकि इसके एक चल रहे तो इसके बेस पे यानी इसके बेस पे यह आइडेंट चलेगी ए प्लस बी, तो ए तो है साइन थीटा बी जो है कोस थीटा ये हो जाएगा आपका। ठीक ब्रैकेट में ए का स्क्वायर यानी साइन थीटा का स्क्वायर फिर बी यानी कोस थीटा का स्क्वायर माइनस ए बी, और ए आपका है साइन थीटा और बी है कोस थीटा। ओके यानी साइन थीटा प्लस कोस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है वन होता है आइडेंटिटी जरूरी क्या आ गई माइनस साइन थीटा और कोस थीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वन और देखिए ये कौन सी राइट है सही। तो आपके इसके जो एक्सरसाइज के और बाकी जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो जरूर सॉल्व कीजिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन आए तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो और कमेंट कीजिए तो ज़्यादा अच्छा है ताकि लगेगा हाँ बड़ा अच्छे से कर रहे हो। ठीक है ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। जय जय भारत।